यशोवर्धन, आपके उस मित्र का नाम क्या है? चेतन राघव। अभी और इसी समय चेतन राघव को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जाओ। पल भर भी आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते? एक पल तो क्या, हम तो जन जन्मांतर तक आपके साथ हैं। एक और वचन लेते हैं कि आज से हम रात्रि विश्राम अपने ही कक्ष में करेंगे, और ये वचन हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु के बाद ही दूंगा। क्या चाहते हो हमसे? अगर देख रेख के लिए चित्तौड़ की राजगद्दी नसीब हो जाए तो करम आपका। तो चित्तौड़ के लिए खून हम बहाए और ताज तुम्हारे सर पर रख दे। सर झुका नहीं, खटा रहेगा। ये क्या किया हुजूर? ये तो हमारे काम का बंदा था। जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है? और कल इसे अगर मौका मिलता तो हमारे साथ भी धोखा करने से नहीं चूकता। इस खबर को जल्द और जल्द चित्तौड़ दरबार तक पहुंचा दिया जाए। पर अब हमें चित्तौड़ कौन लेके जाएगा? चेतन राघव खुद। चित्तौड़ दरबार से कहो कि हमने उनके सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है, अब उनका दुश्मन हमारा दुश्मन। इस तरह से हम एक दूसरे के दोस्त ही हुए ना कफूर। उनसे यह भी कहना इस काम के लिए इनाम हम वहां खुद आकर हासिल कर लेंगे। क्षमा छोटी बहू रानी जी, क्षमा, एक आवश्यक सूचना देनी थी इसलिए इस वक्त आना पड़ा। आवश्यक सूचना तो तुम्हें दरबार में महाराज को देनी चाहिए, इस तरह छिपकर हमारे कक्ष में क्यों आए हो? क्योंकि दिन के उजाले में यहाँ आना संभव नहीं था मेरे लिए। चाहकर भी महलों में प्रवेश नहीं कर सकता मैं, क्योंकि महलों में प्रवेश पर पाबंदी है मुझे, और इसके लिए महलों की तरफ से हमारे सर पर पुरस्कार भी रखे गए। पर हमने भी चित्तौड़ को नमक खाया और उसी के वचन को निभाने के लिए आपके पास आए। आपको बताने आए कि महाराज कुमार के प्राण हारने के लिए हमारे सरदार ने पीड़ो उठाए हो। इनको मारने का पीड़ा? ऐसा क्या बैर है तुम्हारे सरदार का इनसे? सरदार से महाराज कुमार को कोई बैर नहीं है, पर कोई चेतन राघव है जो महाराज कुमार को मारना चाहता है, और उसके लिए उसने हमारे सरदार को बहुत सारा सोना दिया है और उनसे मारने का वचन भी लिया है। पर सरदार तो तुम्हारा ही आदमी है, फिर तुम ये सब हमें बताकर अपने सरदार के साथ छल क्यों कर रहे हो? लगे आपने मुझे पहचाना नहीं छोटी बहू रानी जी। यहाँ आने से पहले मैंने एक माला फेंकी थी आपके पास, क्या वो माला आपको जानी पहचानी नहीं लगी? वो मेरी बेटी है जिसने ये माला बनाया, वो आपसे मिली तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे लगा जैसे कोई अपना सगा मिल गया। फिर उसने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया, वो तो आपको अपनी बड़ी बहन के रूप में देखने लगी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा भले मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मेरे जीते जी महाराज कुमार को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे महला में कोई घुस आया है, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। Thank you.
लंबागढ़ी महाराज, महला में कोई चोर घुसाया है। पद्मिनी, 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 आप ठीक तो है ना? पद्मिनी द्वार खोलिए, क्या हुआ आपको? हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। दीदी ने या किसी ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा पद्मिनी, कुछ भी नहीं होगा। पद्मिनी आप हमारे भाते हो, हमें आपकी चिंता हो रही, द्वार खोलिए पद्मिनी। हम नहीं खोल पाएंगे और हमारा आपके लिए द्वार खोलना उचित नहीं, आपकी प्रतिज्ञा का अनादर होगा। जो भी है हम आपको भोर सब कुछ विस्तार से बता देंगे। और अभी क्यों नहीं पद्मिनी, केवल इसे लेना कि हम वचनबद्ध हैं, और अगर वचनबद्धता से किसी और का जीवन कष्ट में हो तो उस वचन को तोड़ा भी जा सकता है। इसी बात का तो डर है कि कहीं हमारे लिए आपका वचन न टूट जाए, क्योंकि वचनबद्धता तो क्षत्रियों का आभूषण है, और अगर वही भंग हो गया तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको कुछ हो गया तो हम भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। पर आपके होते हुए भला हमें कभी कुछ हो सकता है? आप हमारे पास नहीं भी तब भी आपकी छाया हर पल हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए अभी हमसे कुछ मत पूछिए, हम भोर होते ही आपको सब कुछ बता देंगे। हमें तो बस आपकी चिंता थी, पर आपके बोल सुनकर हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई। अभी हमारी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, यथाशीघ्र आप अपने कक्ष में चले जाएं। आपको हमारी शपथ। बात है छोटी बहन, अभी तो ठीक से गोधुली की बेला भिना हुई है और थे आप ही इनकी कक्ष की ओर चल दी। के हुआ इनका विछोह बर्दाश्त न हुआ के? दीदी हम अलग ही कब हुए हैं जो हमको विछोह होता, हम तो पल पल एक दूसरे के साथ हैं। पर क्या करें, अगर सूचना इतनी आवश्यक ना होती तो हम इनके कक्ष की ओर कभी न जाते। ऐसी कौन सी आवश्यक सूचना है जो सिर्फ इनसे कही जा सके है और हमसे नहीं? आपसे भी कही जा सकती है, जो सूचना हमसे संबंधित है वो आपसे भी है। हमें बहकाओ मत, जो कुछ भी कहना है साची साची कहो। हम सच कह रहे हैं दीदी, चेतन राघव इनको मारना चाहता है। चेतन राघव में अभी इतना साहस ना है कि वो हमारी यहाँ महला में घुसकर इनके प्राण हर ले और राजपूत क्षत्रिय खड़े के खड़े देखते रह जाए। हम सच कह रहे हैं दीदी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। थे कैसे जानो? हमें रात्रि में किसी ने आकर सूचित किया। रात्रि में? रात्रि में या महला में घुसण वाला महारानी पद्मिनी से मिलने आया था और या महला में सबको छोड़कर एक तुम ही बची थी कि वो थारे को सूचित करना गया? कौन था वो? दीदी हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप इस बात को हमें बताने के लिए बाध्य न करें, क्योंकि हम आपको उसका नाम नहीं बता पाएंगे। दीदी आप इस विषय में महाराज कंवर से शीघ्र अति शीघ्र बात कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इनको किसी भी हाल में
कहीं भी अकेले मत जाने दीजिए। हमें लगता है कि वो आपकी बात को अवश्य मानेंगे। क्षमा करना छोटी बहन, पर जब तक तुम हमें उस संदेश वाहक का नाम नहीं बताती, तब तक ना तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे और ना ही महावीर। पहले कभी वो राजमहलों में बागवानी करता था। तो हमारे यहाँ महिला का दुश्मन अब हमारी छोटी बहन के संबंधी है। दीदी, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। हमें उन तक संदेश पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। हमें जाने दीजिए। चित्तौड़ के राजमहला में एक पक्षी भी बिना अनुमति के ना आ पावे है। वहां एक चोर आता है, अपना काम करके बड़ी कुशलता से चला भी जाता है। ये तो तभी संभव है रानी मां, जब उस चोर को महल की पूरी जानकारी। इसका मतलब ये है कि वो चोर जो कोई भी था, उसे इस महल की पूरी जानकारी थी। पर हैरानी की बात तो यह है कि राजमहला में चोर तो आता है, पर यहाँ चोरी कोई नहीं होती और ना ही किसी के प्राण लेने का कोई प्रयास। पद्मिनी, क्या बात है? कल रात को आप हमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आपने नहीं कहा। बताइए कल रात को क्या हुआ था? वो आपके प्राण सुरक्षित नहीं है। कल रात महलों में कोई चोर नहीं, शुभचिंतक आया था और उसने बस इतना ही कहा कि आपके प्राण सुरक्षित नहीं, आप सावधान रहें। चेतन राघव, पद्मावत, थारे को तो चित्तौड़ आए पूरा एक मास भी ना हुआ और कोई शुभ चिंतक आके अशुभ सूचना दे जाता है, और वो भी थारे को। इस बात पर तो हमने भी अधिक विचार नहीं किया रानी माँ, कि वो हमारे पास ही क्यों आया था। पर हमसे उसने जो कुछ भी कहा, उस बात को आप सब तक पहुंचाना हमने अपना कर्तव्य समझा। उसने चेतन राघव का ही नाम। चेतन राघव का नाम? लेकिन उसकी खोज में तो सारा चित्तौड़ लाग्यो है, पर उसकी कहीं कोई सूचना ना है। लगता है थारे को वाकई सारी जानकारी है। कहां है वो छोटी बहन? बताओ पद्मिनी, चेतन राघव कहां पर है? उस चोर ने आपसे क्या कहा? बताओ पद्मावती, जब इतना बता दियो है तो ये भी बताओ कि कहां है चेतन राघव। हम जाने हैं, थारे को बाकी संपूर्ण जानकारी है। नहीं, हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते और ना ही हमें जानकारी है कि चेतन राघव कहां है। पर हमारा हृदय कह रहा है कि उस शुभचिंतक की बातों में गंभीरता थी और सच्चाई भी। हमारा विश्वास कीजिए, चेतन राघव इनके प्राण हरना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रानी माँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है या चेतन राघव जो कुछ भी कर रहा है, उससे हम इस शुभचिंतक की बातों की अवहेलना नहीं कर सकते।
हैरानी की बात तो यह है पद्मा बहू कि एक अनजान चोर आता है और थारे से कुछ भी बक जाता है और थे उसमें विश्वास भी कर लेती हो। पद्मा बहू, थारे को एक पल के लिए भी ये ना लगा कि वो थारे साथ कोई छल भी कर सकता है। हो सकता है उसने राजमहला को सांसद में डालने के लिए ही ऐसी कोई सूचना फैलाई हो जिससे हम सब घबरा जावे और कोई ऐसा कदम उठावे जो उसके हित में होवे। कहीं ऐसा ना हो छोटी बहन कि थारी वजह से चित्तौड़ किसी नई मुसीबत में फंसने जा रहा हो। पद्मा बहू, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे हम थारी नादानी समझकर थारे को क्षमा कर देते हैं, पर इतना याद रखियो भविष्य में थारी ऐसी कोई भी नादानी हमसे ना सही जावेगी। बात कोई भी हो, हमें या कवर रतन सिंह को उसी समय सूचित करना थारा कर्तव्य है। और रही बात कवर रतन सिंह की, तो हम गर्व से कह सकते हैं या के जैसा क्षत्रिय राजपूताना तो छोड़ो या धरती पे ना है। हमें तो उसकी चिंता है जो रतन सिंह के प्राण हरने आवेगा, वो रतन सिंह के हाथों बच ना पावेगा। अब से अपने कक्ष में जाओ पद्मा बहू। राजघराणों के होवे हैं ये बात समझ में आवेगी। अवसरवादी हो तुम, तुमने तोड़ दी मर्यादा सारी। एक संसारी पुरुष को उलझाकर तुमने दिखा दिया कि तुम हो नारी। चित्तौड़ की चौखट लांग तुमने जबरन यहां अधिकार कियो। झूठी, मैं घूमर नहीं जानती, कहकर हमें हरा दिया बहना प्यारी। थारी कोई भी चाल दूर तक ना जावेगी। अब तो थे राजघराणों के होवे हैं ये बात समझ में आवेगी। अब तो थे राजघराणों के होवे हैं ये बात समझ में आवेगी। चित्तौड़ को तुमने क्या समझा? ये क्या कोई धर्म की शाला है जो उठा लाई पूरा सिंघल द्वीप और मामा भी द्वार पे पाला है? सुमन रेखा थी जिन सबको, वो निर्लज यहां पर बस बैठे। उनको यहां बसाकर तुमने हम सब की पीठ में भूखा भाला है। वही भाला जो थारे पे ना पलटो तो ये नागमती नागमती ना कहावेगी। अब तो थे राजघराणों के होवे हैं ये बात समझ में आवेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.